दरभंगा NSUI की तरफ से कर्पूरी चौक पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलकर हत्या करने के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया गया। साथ ही शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर उपस्थित NSUI के राष्ट्रीय संयोजक व झारखंड प्रभारी शादाब अख्तर ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि के काले कानून को लेकर दिल्ली से लेकर पूरे भारत में किसान लगभग 11 महीनों से सड़क पर हैं, लेकिन यह तानाशाह सरकार किसानों की बात सुनने के बजाय उन्हें सड़कों पर गाड़ियों से कुचल रही है। हम मांग करते हैं जो भी दोषी हैं उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। कार्यक्रम को सफल बनाने में नाजिया हसन, अजयत शानू, इंजमाम, रिजवान, प्रहलाद, राहुल समेत सैकड़ों लोगों का अहम योगदान रहा। अंत में शादाब अख्तर ने कहा कि केंद्र सरकार अगर तीनों काले कानून को वापस नहीं लेती है तो बिहार की धरती पर भी किसानों के समर्थन में जोरदार आंदोलन का आगाज NSUI करेगी। पिछले 11 महीने से जो है लाखों की संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और दिल्ली बॉर्डर के आसपास बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार के कानून पे अभी तक जू नहीं रेंग रही है और ये जो काला कानून है किसानों के लिए, जो किसान हित में बिल्कुल भी नहीं है, उस कानून को जबरदस्ती मनवाने की जो कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट उसके लिए आवाज उठाया है। और दूसरी चीज, कल जो लखीमपुर खीरी में हुई घटना, वो सिर्फ किसानों पे गाड़ी नहीं चढ़ाया गया बल्कि लोकतंत्र पे, पूरे लोकतंत्र पे गाड़ी से रौंद दिया गया है उनको। अगर कोई ये कहता है कि किसान मारा गया है तो किसान नहीं मारा गया है, पूरा देश शर्मसार हुआ है और ये लोकतंत्र का हनन है। हमारा अधिकार है आवाज उठाना किसी भी कानून को लेकर के या जो हमें नहीं पसंद है, इसी का नाम लोकतंत्र है। लेकिन कोई आवाज उठाता है और उसको दिन दिन दिखार, मतलब दिन ढला भी नहीं हो और उनको गाड़ी से रौंद दिया जाए और उनकी बातों को एकदम नहीं सुना जाए और उसके बाद फायरिंग करते हुए फिल्मी अंदाज में भागे, तो ये बिल्कुल ही शर्मसार है। और ये जो चीजें हो रही है, जो हमारे किसान भाई मरे हैं, इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। और पूरे NSUI, पूरी कांग्रेस और हर एक समाज सेवी वर्ग के लोग बाहर आके आज ये आवाज उठा रहे हैं कि जो भी लोग हमारे मारे गए हैं उनको एक शहीद का दर्जा, उसके बाद दूसरा जो उनके परिवार को सरकारी नौकरी और मुआवजा दी जाए, और मुआवजा के साथ साथ ये जो काला कानून है इनको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।